राज्यसभा में सांसद जया बच्चन और सभापति जगदीश धड़खड़ के बीच हुई तीखी बहस के सदन का माहौल गर्मा दिया। बहस की शुरुआत उस वक्त हुई जब सभापति ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया, जिससे जया बच्चन नाराज हो गई। उन्होंने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, मैं एक कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज और भाव भंगिमाएं को अच्छी तरह समझती हूँ। मुझे आपके बोलने का तरीका बिल्कुल स्वीकार नहीं है। हम सहकर्मी हैं, चाहे आप चेयर पर हो या नहीं। इस पर सभापति धनखड़ ने कहा, यह मत समझें कि केवल आपकी ही प्रतिष्ठा है। एक वरिष्ठ सांसद के रूप में आपके पास सभापति की गरिमा को कम करने का अधिकार नहीं है। भले ही आप कोई भी हो, चाहे आप सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, मैं इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस बहस के चलते सदन में हंगामा हो गया। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सभापति ने जया बच्चन के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिसके विरोध में उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। बाहर आकर जया बच्चन ने मीडिया से कहा, मैं सभापति के बोलने के लहजे पर आपत्ति जताई। हम कोई स्कूल के बच्चे नहीं हैं, हम में से कुछ वरिष्ठ नागरिक हैं और इस तरह के व्यवहार से हम परेशान हो जाते हैं। खासकर यह विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका माइक बंद कर दिया गया। या आप कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेता को बोलने देना चाहिए। जया बच्चन ने आगे कहा, मेरा मतलब है कि हर बार असंसदीय शब्दों का प्रयोग करना, जो मैं यहाँ सबके सामने नहीं कहना चाहती, तुम उपद्रवी हो, बुद्धिहीन हो, ये कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी हो, कह सकते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे परवाह करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि मैं संसद की सदस्य हूँ, यह मेरा 5वां कार्यकाल है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। आजकल संसद में जिस तरह से बातें कही जा रही हैं, पहले कभी किसी ने नहीं बोली। मुझे माफी चाहिए।